अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों के इस घोषणा पत्र में इंग्लैंड के राजा ने वहां के लोगों को कुछ अधिकार दिए। इनमें लोगों द्वारा सीमित संख्या में अपने प्रतिनिधि चुनना तथा अपनी मर्जी से कोई भी व्यापार व्यवसाय करना प्रमुख अधिकार थे। सन 1776 में इंग्लैंड से आज़ादी प्राप्त करने वाले 13 उपनिवेशों ने अपने आप को संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से स्वतंत्र देश के रूप में संगठित किया तथा अपना नया संविधान बनाया। इस संविधान में उन्होंने बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से अपने नागरिकों को कानूनी रूप से कई मौलिक अधिकार दिए। इन अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार आदि प्रमुख हैं। सन 1789 में होने वाली फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस के लोगों ने अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता दी गई। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, शोषण से रक्षा का अधिकार भी था। फ्रांसीसी लोगों के लिए अधिकारों का घोषणा पत्र जारी होने के बाद विश्व के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने अपने नागरिकों को कई अधिकार कानूनी रूप से प्रदान किए। किसी भी देश के कानूनी अधिकारों का सबसे प्रमुख स्रोत उस देश का संविधान होता है। ऐसे देश अपने संविधान में अधिकारों को किसी न किसी रूप में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कानूनी अधिकारों के रूप में दिए गए हैं। यदि भारत की केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की राज्य सरकार इन अधिकारों को प्रदान न करे, तो नागरिक सीधे राज्य के उच्च न्यायालय या देश के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार अन्य कानूनी अधिकारों का मुख्य स्रोत हैं तथा वे इन्हें वैधता भी प्रदान करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि संविधान में दिए गए अन्य अधिकार किसी न किसी मौलिक अधिकार से संबंधित हो सकते हैं। हमारे संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या आप इन्हें बता सकते हैं? हमने कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के नागरिक शास्त्र के खंड में इन मौलिक अधिकारों के विषय में पढ़ा है। इन पर हम एक एक करके विचार करते हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर बताइए कि ये कथन कौन से अधिकार से संबंधित हैं। पहला, प्रधानमंत्री हो या सुदूर गांव का कोई कृषि मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। जन्म या पद के आधार पर व्यक्ति को कानूनी तौर पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिला है। कुछ वर्ष पूर्व देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर धोखाधड़ी का मामला चला था। सारे मामले पर विचार करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया था, परंतु जब तक मामला चला उन्हें किसी दूसरे आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा, अपने पक्ष में साक्ष्य देने पड़े, कागजात प्रस्तुत करने पड़े। दूसरा, किस अधिकार के चलते लाखों लोग गांवों से निकलकर शहरों में और देश के गरीब क्षेत्रों से निकलकर समृद्ध क्षेत्रों में आकर काम करते हैं और बस जाते हैं। ब, किस अधिकार से आप अपने विचारों का पर्चा छपाकर या अखबारों व पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करवाकर भी व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खदान, बंदरगाह और रेलवे जैसे स्थानों पर कोई भी जोखिमपूर्ण काम नहीं करा सकते हैं। आज गांव का मुखिया जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है। चौथा, क्या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हमें देवी देवताओं या किसी अन्य शक्ति को खुश करने के लिए बलि देने का अधिकार है? ब,
क्या किसी विधवा का मुंडन करा सकते हैं या उसे मात्र सफेद कपड़े पहनने हेतु मजबूर कर सकते हैं? पांचवा, अल्पसंख्यकों को भाषा, संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? अल्पसंख्यक ये राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक मात्र नहीं है, किसी स्थान पर एक खास भाषा को बोलने वालों का बहुमत होगा, वहां पृथक भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषियों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वे अल्पसंख्यक हैं। इसी प्रकार धर्म और संस्कृति के आधार पर भी किसी समूह का अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक होना तय होता है। छठवां, हमारे आसपास एक कारखाना है जिसमें निकलने वाले बेकार पदार्थों से हमारे इलाके का पीने का पानी गंदा हो रहा है। पानी में गंदगी की वजह से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जैसे डायरिया, पीलिया, खुजली आदि, जिससे हमारे जीवन जीने के अधिकार का हनन हो रहा है।